नमस्ते। छोटी मुँह बड़ी बात, कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जो हम भी हिंदू है, ठीक है, हम भी हिंदू है, क्यों नहीं समझते हैं जो इंडिया में है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते कहते रहते हैं मुस्लिम के बारे में, ये है वो है ये है वो है, उनको ये नहीं समझ में प्रॉब्लम क्या है, उन लोग को क्यों प्रॉब्लम है। हजारों हिंदू हम लोग कहीं कहीं कुवैत, कहीं सऊदी, कहीं कतार, दुबई, हम लोग काम करके खाते हैं। जो हम लोग नॉर्मल, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई कोई कारपेंटर, कोई कुछ भी क्लीनर, छोटे छोटे काम करके 30,000, 35,000, 40,000 महीने का सैलरी है यार, इंडिया में बैठे बैठे 10,000 नहीं मिलता है। उन लोग का तो मतलब जो ढोलना रहता तो ढोल देते, जो बोलना रहता तो बोल देते, लेकिन ये नहीं समझते जो हम लोग परदेश में है हम लोग को क्या होगा। हम लोग को कुवैत में इतना बड़े बड़े दुकान रहते, कितनी इंडियन शॉप खोला है, कितने इंडियन कितना कुछ किया है, लेकिन उन लोग का हालत क्या हो रहा है एक बार नहीं सोचता है। ये सामने पीछे का कुछ काम करने का पहले सामने का सोचूं, ये इंसान कैसे जीते है। हम लोग कमाते हैं तो हम लोग का बहू बेटी बच्चा लोग के पेट में दाना जाता है, ऐसे कमीनापंती क्यों करते, मेरे को नहीं समझ में आता है। इतना भी अगर आप लोग को करना है ना तो करो, अपने आप के बीच में करो, भरे मोहल्ले में नहीं करो, ठीक है। आप समझने का हिम्मत है, आप तो अच्छा से, हम तो चाहते उस लेडी का अच्छा से कुछ होए, हम भी ये चाहते हैं, हम भी हिंदू लड़की होके क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहते। लाख गुना जितना हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, लाख गुना मुस्लिम भी रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है उन लोग को मुस्लिम को लेके। जो हो गया सो गया, सब क्यों नहीं एकजुट बन के रह सकते हैं, क्यों ये डेली डेली जो अल्लाह तला का घर है वो शिव जी का मंदिर था, तो फिर जाओ उधर जाके लड़ाई करो, जाओ हाथ लेके दिखाओ कितनी हिम्मत है, उधर बैठे बैठे तो बड़ा कपुच कपुच करते रहते हो, लाज मतलब शर्म है, डूब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बेकार औरत।